दोस्तों पिछले दो महीनों से भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री कोई था मानो ऐसा माहौल बन गया था, लेकिन फिर से नहले पर दहला मारते हुए पवन सिंह सुस्त पड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में जान डाल दी है। पहिरी जब मारे लो मोह सुकी आधानी। तो बताएंगे गाने के बारे में क्या अच्छा है और क्या कुछ कमियां मुझे लगी, जानेंगे आगे डिटेल में। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा गाना। दोस्तों गाने की वीडियो क्वालिटी तो एकदम A1 कैटेगरी की है, जिस तरह से गाने का लिरिक्स है उसी टाइप का भरपूर प्रयास किया गया है वीडियो बनाने का। और आप भी ब्लू साड़ी में क्वीन सालिनी की कातिलाना मुस्कान देखकर तो अब तक घायल हो ही गए होंगे। लिरिक्स भी अगर देखें तो 80% परफेक्ट है। हाँ, अगर एक दो शब्दों की बात छोड़ दे तो जैसे कि एक दो शब्द मुझे कुछ अजीब सा लगा, अगर पुड़ुकिया और ये लास्ट में जो बोल रहे भुड़ुकिया, मुझे कुछ पवन सिंह के हिसाब से लिरिक्स मतलब शब्द नहीं वहाँ परफेक्ट लगा, लेकिन खैर ठीक है, उतना मिला जुला के चल बन जाएगा। बाकी गायकी के बारे में पवन सिंह का तो कुछ कहना ही नहीं है, और शिवानी सिंह जैसा गाती है वैसा उन्होंने भी बखूबी अच्छे से गाया है। लेकिन एक चीज जो कि इस गाने में स्टार्टिंग से ही दिमाग को पंच मार रहा है वो है इस गाने का म्यूजिक। अरे मजाक मत करो साहब, ओके भैया। देखिए गाने में लिरिक्स के हिसाब से म्यूजिक होना चाहिए। इस गाने का लिरिक्स और सुर दोनों ही मीठा है, लेकिन म्यूजिक कैसा है आप खुद ही कमेंट करके बता सकते हैं। कसम से सच बता रहे हैं, हमें तो सुनने के बाद ऐसा लगा कि मानो जैसे हम की टूटे हुए टीने को बजाते हुए सुन रहे हैं। मजाक मत करो साहब, ओके भैया। वैसा ही झनझन टाइप का अजीब सा ये क्या म्यूजिक है यार, ये क्या प्रियांशु सिंह को हो क्या गया है। हर गाने में लगभग पवन सिंह के इनका ऐसा ही सेम म्यूजिक रहता है। आप गाना सुन के इनके बनाए हुए म्यूजिक का गाना सुन के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा गाना वाकई में आप सुनने वाले हैं। ये म्यूजिक सही नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी प्रियांशु सिंह से और पवन सिंह की टीम से और पवन सिंह से भी खासकर कि आप लोग प्लीज़ गाना सेलेक्ट करते टाइम और गाना कंपोज करते टाइम म्यूजिक पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि आप कितना भी बढ़िया लिरिक्स बना लीजिए और कितना भी बढ़िया गा दीजिए, लेकिन अगर उसका म्यूजिक ही सही ना लगे तो फिर कौन गाना सुनेगा। तो खैर ये तो मेरा ओपिनियन था, आप क्या कहेंगे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी पहुँचे जरूर।